हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज फिर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नई किचन टिप्स एंड आइडियाज़। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मेरी जो फर्स्ट टिप है ना, इस तरीके से चाय छन्नी को लेकर है। तो कई बार क्या होता है कि हमारे पास ऐसे चाय छन्नी होती है जो कि बेकार हो जाती है, जिसके अंदर जो है होल नहीं हो जाते हैं और इसमें से चाय निकलनी शुरू हो जाती है। तो ये देखिए, यहाँ पर इस तरीके से ये चाय छन्नी ली है मैंने, और यहाँ से ना, यहाँ पे से इसको हम कट कर लेंगे। यहाँ से देखिए, इस तरीके से कट करने के बाद इसको पार्ट को हम निकाल लेंगे। तो आपके पास प्लास्टिक वाली है, आप कोई से भी चाय छन्नी ले सकते हैं जो बेकार हो गई है। तो देखिए, इस तरीके से इसका ये जाली वाला पार्ट हमने कट करके निकाल दिया है। और अब क्या करेंगे, हम लेंगे एक प्लास्टिक की बोतल। तो ये जो प्लास्टिक की बोतल है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास ऐसे ही रखी होती है और हम इन चीज़ों को ना बेकार समझ के फेंक देते हैं, लेकिन ये हमारे पास है ना कई चीज़ों की तरह से यूज़ हो सकती है अगर हमारे पास टिप्स और आइडियाज़ हो तो। तो देखिए, इस तरीके से कट कर लिया है मैंने। तो चलिए, अब क्या करेंगे, हम जो चाय छन्नी लिए ना, उसके ऊपर देखिए इस तरीके से इसको लगा देंगे। और आपको लेनी है हॉट ग्लू गन, या फिर आप फेविक्विक भी ले सकते हैं। और इस तरीके से देखिए, इसको है ना यहाँ पर अच्छे से पेस्ट कर देंगे और थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देंगे। इसी तरीके से क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो इसका नीचे वाला पार्ट है ना, यहाँ पर उसको उल्टा करेंगे और इसके चारों तरफ भी अच्छे से इसको लगा देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो है ये एक फ्री की जो है कीप बनकर तैयार हो गई है। तो कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे मुंह वाले जो बोतल होती है ना, उनके अंदर हमें तेल डालना पड़ता है। तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से ये कीप बनाकर ना आसानी से ऑयल को ना दूसरे बर्तन में निकाल सकते हैं। और ये जो है फ्री की कीप बनकर हमारे पास हो गई तैयार। तो यहाँ पर इसके देखिए, जब यूज़ कर ले तो इसका ढक्कन हटा भी सकते हो और इसको ना इसका ढक्कन लगाकर आप इसको बनाकर रख सकते हैं। तो कैसा लगा ये आइडिया, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, नेक्स्ट टिप हमारे पास है जो बोतल के कई सारे ढक्कन रखे हुए होते हैं। तो चलिए, आज इस ढक्कन को भी यूज़ करते हैं और आपके लिए एक कुछ बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से लेना है हॉट ग्लू गन, और है ना जितने भी ये ढक्कन है ना, इनको आपस में देखिए एक है ना चिपका के चिपकाना है, जैसे जैसे मैं कर रही हूँ ना इसी तरीके से। तो ये हमारा एक फ्री का ना ऑर्गेनाइज़र बनकर हो जाएगा तैयार। तो यहाँ पर सारे के सारे मैं जो जितने भी कवर है इनको आपस में चिपका दूँगी, और इस तरीके से ये ना अगर ये चिपक नहीं रहे ना, अगर जो हॉट ग्लू गन है इससे नहीं चिपक रहे, तो फ्रेंड्स आप फेविक्विक भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, ये इस तरीके से बनाकर मैंने तैयार कर लिया। अगर ये एक ही कलर के होंगे ना तो ज़्यादा अच्छे होंगे लगेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बनकर हो गया है हमारा कप स्टैंड। तो आप इस तरीके से है ना, जब कप में चाय और दूध देते हैं तो कई बार नीचे से तली से जो दूध है फ्लोर पे लग जाता है और सरफेस पे लग जाता है। तो इस तरीके से आप ये कप स्टैंड बनाकर अपने बच्चों को दे सकते हैं। और कैसा लगा ये आइडिया, तो अगर अच्छा लगा है तो बताना ज़रूर फ्रेंड। आप देखिए, इस तरीके से ये बिस्किट के खाली है ना जो बॉक्स होते हैं, इनके ऊपर कवर नहीं होता, लेकिन ये है ना बहुत ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। और हम क्या करते हैं, इन्हें ऐसे ही बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो आप इसको ना कई मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ एक आइडिया। तो यहाँ पर मैं लूँगी अपने जो ये परफ्यूम है, फेस वॉश है, आप इस तरीके से एक ही जगह ना इनको ऑर्गेनाइज करके अच्छे से रख सकते हैं। इनको इसके अंदर रखिए सारे के सारे, जितने भी ज़्यादा आप सामान इसमें रखते हैं वो सारा इसमें रख लीजिए, और इसको अपने ड्रेसिंग टेबल पर जहाँ भी आप इसको रखते हैं वहाँ पर ऑर्गेनाइज कर दीजिए। तो कैसा लगा आइडिया, अगर अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसमें और भी सामान आ सकता है छोटा सा, इनकी जगह आप इसके अंदर मेडिसिन भी रख सकते हैं, या फिर इसको बास्केट को आप जो है सब्जी वगैरह रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइडिया अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब फ्रेंड देखिए, प्लास्टिक की पोलोथीन तो वैसे तो मना है यूज़ करनी, लेकिन अभी भी फिर भी प्लास्टिक की पन्नियाँ हमारे घरों में आ ही रही हैं, और सब्जी वगैरह तो इन्हीं में ही आती है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक का ये एक आइडिया बता रही हूँ, आपको क्या करना है, प्लास्टिक की पोलोथीन लेनी है और ना अच्छे से इसको है ना इसके ऊपर आपको मार्कर से ना
पूरे हाथ का एक जो है पेन से निशान बना लेना है, और फिर नाइफ़ को गर्म करके ना देखिए जो पेन के निशान बनाए ना उसके ऊपर अच्छे से इसको फेर लेना है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, नाइफ जो है अपना हाथ बचा के कीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके साथ आप ना जो ये आपस में चिपक भी जाएगा और कहीं से खुलेगा भी नहीं, और इस तरीके से ही आपका एक फ्री का जुगाड़ बनकर हो जाएगा तैयार। तो ये बन जाएगा आपका एक ग्लव्स, तो बिल्कुल फ्री का जुगाड़ है। अगर आपके पास इमरजेंसी में ग्लव्स नहीं है तो इस तरीके से आप ये ग्लव्स बनाकर अपना काम जो है एट ए टाइम कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये ग्लव्स बनकर हो गया है तैयार। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा छोटा मेरे से कट गया है, तो आप थोड़ा बड़ा बनाइएगा। तो आप इसको आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप ट्रेवल पर जा रहे हैं और टूथब्रश आप फैमिली के साथ लेके जा रहे हैं, तो इनको क्या करिए इस तरीके से अलग अलग करके इसके अंदर रख के ले जा सकते हैं। इनसे ये आपस में मिलेंगे नहीं, और आपस में ना इनके अंदर जो है जम्स वगैरह बैक्टीरिया वगैरह बिल्कुल भी नहीं होगा। इस तरीके से इनको ऑर्गेनाइज़ करके आप अपने पर्स में बैग में रखकर आसानी से ले जा सकते हैं। तो कैसा लगा ये आइडिया? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक बार बनाकर ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप पर। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हम महंगी महंगी चूड़ियाँ लेकर आते हैं, और कांच की चूड़ियाँ तो ऐसी होती है जब लेकर आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ये है ना पतली होती हैं, और कई बार तो ऐसे होते हैं कि कई बार तो है ना ये बहुत ही ज़्यादा इतनी पतली होती है कि टूट जाती हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर लेना है एक कपड़ा, और इस कपड़े के ऊपर है ना इसको चूड़ियों को लगा देना है, और इस तरीके से है ना इसके ऊपर लगाने के बाद ना तो हल्का सा ना ये कपड़ा जो लिया है, टॉवल लिया है मैंने, इसको हल्का सा मैंने गीला कर लिया था, और इस तरीके से आपको इसके ऊपर है ना गर्म प्रेस फेरनी है। तो यहाँ पर देखिए इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, जब इस तरीके से आप चूड़ियों को रख के गर्म प्रेस करोगे ना, तो अगर आपकी चूड़ियाँ कच्ची हैं, पकी हुई नहीं हैं, और उनके मुंह जल्दी से खुल जाते हैं, तो इस तरीके से आप ना इस टिप से अपनी चूड़ियों को आसानी से ना पका लेंगे, और ना उनके जो मुंह होते हैं ना वो बिल्कुल भी खुलेंगे नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस तरीके से मैं इनको निकाल लूँगी। अब हम चेक करते हैं कि कौन सी चूड़ी कच्ची थी और कौन सी इनमें से चूड़ियाँ बिल्कुल सही हैं। तो आपको क्या करना, इस तरीके से ना धीरे धीरे से अपनी चूड़ियों को लेना है, और जहाँ इनका मुंह है ना वहाँ पर उसको चेक करना है कि खुला हुआ तो नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से आप चेक करते रहो, और आपकी जो चूड़ियाँ है ना वो अच्छे से देखिए। देखिए यहाँ पर ये एक चूड़ी निकल कर आई है जिसका मुंह खुला हुआ था, तो इसका मतलब ये अच्छे से सेट नहीं हुई थी, पकी नहीं थी, और इसका जोड़ भी अच्छे से सेट नहीं हुआ था। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, अपनी बैंगल्स को सेव करके भी रख सकते हैं। तो आइडिया अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट टिप देखिए फ्रेंड्स, मैंने लिया एक पोलोथीन, और ये पतली वाली पोलोथीन ही लेनी है, और इस तरीके से आपको ना इसका छोटा सा पार्ट कट करके निकालना है। तो फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि जब कभी भी हम कुकर में खाना वगैरह बनाते हैं ना, तो ये जो कुकर का वो होता है हैंडल, देखिए इस तरीके से, तो इनके जो नट्स होते हैं ना वो देखिए इस तरीके से निकल जाते हैं, खुल जाते हैं, और ना इतने ज़्यादा लूज़ हो जाते हैं कि हम इनको बार बार जो है पेचकस से टाइट करते हैं लेकिन फिर भी ये निकल ही जाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक जुगाड़ बता रही हूँ, आपको क्या करना है, इसका नट ना निकाल लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से निकाल लेती हूँ मैं पहले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर निकालने के बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है ये देखिए ये नट ले लिया है मैंने, और आप जो पॉलोथीन लिया ना हमने, आपको क्या करना है इसका ना एक छोटा सा पार्ट कट कर लेंगे, क्योंकि ये नट काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो इसके हिसाब से हमें पॉलोथीन का एक पार्ट कट कर लेना है, और इस तरीके से नट बोल के ऊपर ना इसको अच्छे से सेट कर देना है, जैसे मैंने लगाया ना इसी तरीके से। और अब क्या करेंगे, हम इसको पेचकस से इसके अंदर लगा देंगे। तो ये देखिए फ्री का जुगाड़, घर पर ही हम इसको जो बाहर मार्केट में ठीक कराने के लिए पैसे खर्च करते हैं, घर पर ही आप एक बार इस टिप को फॉलो करके ज़रूर देखिएगा, आपका ये जो नट है लूज़ हो रखा था बिल्कुल वो टाइट हो जाएगा, और इस तरीके से अपने जो नट है ना ये इसके कुकर के उनको आप घर पर फ्री में ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आज के टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आई होगी। कौन सी टिप आपको सबसे अच्छी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए कई बार इनके नट बोल्ट में ना जंग लग जाती है, और
उनकी जो है ना चूड़ियाँ होती है वो बिल्कुल घिस जाती हैं। तो इस तरीके से एक बार इस टिप को यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। कुकर का हैंडल हो या उसके कवर का हैंडल हो तो आप घर पर ही इसको है ना इस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।